असलम सच को टी वी से मैं समीर मलिक आज मैं एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर से मिलने आया हूँ इनका वर्कशॉप भी है उसका भी विज़िट आपको करवाएंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपना काम किस तरह आगाज़ किया किन्होंने ये काम स्टार्ट किया और ये अपने काम को किस तरह आगे लेके चलेंगे इधर हर चीज़ आपको दिखाएंगे डेंटिंग पेंटिंग और क्या क्या होता है वो भी सारा इनसे पूछेंगे तो इनके पास ही चलते हैं असल जी वाईकम्सम कैसे हैं आप जी अलहमदिल्ला ठीक ठाक मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि ये आपका शोरूम वर्कशॉप जो है ये कहाँ पे है हमारी वर्कशॉप जो है जेल रोड पे है लाहौर में मेन जहाँ पे गाड़ियों के शोरूम है गोशी मोटर वाली गली के अंदर हमारी वर्कशॉप है ठीक है तो ये काम आपका किसने स्टार्ट किया था इस काम की बुनियाद जो है ना वो मेरे दादा ने रखी थी 1960 में 1960 से लेके अब ये 2023 तक चल रहा है उनके बाद मेरे अबू जान ने इसको चलाया उसके बाद अभी तक जो मैं इसको रन कर रहा हूँ साथ साथ मिल के हम जो है ना इसको चला रहे हैं ठीक है तो इसके अलावा भी आपकी कहीं पर ब्रांच है इसके अलावा फिलहाल तो हमारी कहीं पर ब्रांच नहीं है लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करने के बारे में ठीक है ख्याल कैसे आया कि गाड़ियों का बिजनेस ही स्टार्ट करना है देखें जी गाड़िया जो है ना ये हर लड़के का शौक होता है गाड़ी अच्छी चीज़ अच्छी गाड़ी जो है ना हमेशा से हर लड़के का शौक है इसी तरह मेरा भी शौक था क्योंकि शुरू से बचपन से ही जो है ना हम गाड़ियों में ही हर जगह पे आना जाना घूमना फिरना गाड़ियों में और गाड़ियों का शौक बहुत ज़्यादा था मुझे बचपन से ही और कारोबार भी हमारा इसी से ही मुतलका था तो इसलिए जो है ना वो मैंने ये सोचा कि अब इसी फील्ड में जो है ना इन ताला आगे तरक्की करनी है इसी फील्ड में काम करना है ठीक है तो मुझे आप ये बताएं कि मैंने जो सुनी हुई हैं खबरें कि एक जो डीलर होता है जो गाड़ी सेल करता है अगर उसके पास कोई एक्सीडेंटल कार आती है तो उसको सिर्फ वो बायर से लचका के गाड़ी को सेल कर देता है उसके इंजन पर ध्यान नहीं देता तो आपके पास भी कोई ऐसे केस आए हैं कि कस्टमर आके आपको ये कहे कि मैंने फलाह बंदे से गाड़ी ली थी और दो महीने बाद या एक महीने बाद इंजन ही बैठ गया जी अक्सर अकात इस तरह के केसेस आ जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता बहुत कम जो है ना वो डीलर इस तरह की हरकतें करते हैं जो नए नए इस फील्ड में आते हैं और वो इस तरह के जो है न वो काम करते हैं लेकिन इस तरह का काम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी जो मज़ा जो है हलाल के पैसों में है वो इस तरह के पैसों में नहीं है ठीक है मुझे आप ये बताएं कि एक डीलर है उसको क्या चीज़ करके सेल करनी चाहिए गाड़ी और बायर को क्या चीज़ दे के गाड़ी को परचेज करना चाहिए देखें जी, जी जो डीलर है सबसे पहले उनके लिए पैगाम ये है कि उनको हमेशा हर चीज़ अपनी गाड़ी के बारे में बता के बेचना चाहिए ठीक है, थीक है उनको बताना चाहिए कि मेरी गाड़ी में ये ऐप है नुख्स है और अगर कोई नहीं है तो वो बता दे कि इसमें कोई नुस्ख़्स नहीं है कोई काम है तो वो बता दे कि ये काम होने वाला है और आ, और अगर जिसको उसने गाड़ी बेची है जिस कस्टमर को उसको नहीं भी पसंद आती ना उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए एक हफ्ते का या डेढ़ हफ़्ते का दो हफ्ते का टाइम देना चाहिए कि अगर उसको नहीं पसंद आ रही तो आके वापस करके अपनी जो अमाउंट है वो वापस देजिए ये सुन रहा था हमारे नबी पाक बासलम की कि बेचा हुआ माल जब आप वापस कर लेते हैं ना तो उसका आपको बहुत स्वाब मिलता है तो अगर वो वापस कर लेता तो ये उसके उससे ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर जो है ना वो आपके पास दोबारा भी आ जाता है वो ट्रस्ट करता है आपके ऊपर ट्रस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है आप अपनी बेची हुई चीज़ वापस कर लेते हैं वो कहता है कि यार ये बंदा एक नंबर है इसने इसे चीज़ वापस कर ली है तो मैं दोबारा भी जो है ना इससे चीज़ खरीदने आऊँगा नहीं तो कोई ऐसी गाड़ियाँ भी होती हैं कि जो हंड्रेड परसेंट परफेक्ट होती हैं लेकिन एक हफ्ता चलाने के बाद उसमें काम निकल आता है ऐसा नहीं होता जो गाड़ियाँ हंड्रेड परसेंट परफेक्ट होती हैं ना उसमें काम जल्दी नहीं निकलता लेकिन फिर भी मशीन है मशीनी चीज़ है ना कुछ भी हो सकता है काम निकल भी आ सकता है हो सकता है जब उसने बेची हो उस वक्त ठीक हो बाद में कस्टमर की गफलत की वजह से या उसने कोई ऐसी गलती की है उसकी वजह से उसमें काम निकल आया तो उसमें फिर वो डीलर ज़िम्मेदार नहीं होगा उसमें फिर वो कस्टमर ज़िम्मेदार होगा तो कस्टमर को भी चाहिए कि वो ध्यान से गाड़ी चलाए और बड़े प्यार मोहब्बत से गाड़ी को चलाए ऐसी गी? बिल्कुल कस्टमर को चाहिए देखें मोस्टली ये प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब बंदा पहली पहली गाड़ी खरीदता है ठीक है जैसे कि किसी ने अगर मोटरसाइकिल से फर्स्ट टाइम कार पर शिफ्ट किया तो उसको नहीं पता होता कि इसकी बेसिक मेंटेनेंस जो है ना वो किस तरह करनी है मसन जब आपने सुबह गाड़ी निकालनी है आपका सब काम है कि आप उसको चेक करें सबसे पहले उसका पानी चेक करें रेडिएटर के अंदर इंजन ऑयल चेक करें ठीक है और जो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सारी ऑयल्स तो वगैरह वो सब कुछ चेक करें उसके बाद आप गाड़ी करते बाहर निकालें जो नया नया कस्टमर होता है जिसने पहली पहली गाड़ी खरीदी है उनको ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होता तो कहीं पर किसी गलती की वजह से कोई काम ख़राब हो जाता है उसमें फिर वो डीलर जिम्मेदार नहीं होगा अगर कोई पीछे से ही प्रॉब्लम है उस सूरत में जाना वो फिर डीलर जिम्मेदार होता है तो आपके पास अभी इस टाइम कौन कौन से नए प्रोजेक्ट खड़े हैं और क्या क्या इस वर्कशॉप में काम चल रहा है अभी जी मेरे पास तकरीबन सारी गाड़ियाँ यहाँ पे तैयार होती हैं इस टाइम पे भी होंडा भी है ट्योटा भी है सुजुकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं ढाई आठ की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं तकरीबन सारी गाड़ियाँ मेरे पास हैं और हमारे पास डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है मैकेनिकल काम होता है इलेक्ट्रिकल काम होता है जितने भी बेसिक काम है सारी गाड़ियों के वो सब के सब हमारे यहाँ पे मौजूद है सबसे ज्यादा इधर एक्सपर्ट बंदा कौन है मतलब कि वो डेंटिंग का काम करता है पेंटिंग का काम करता है ये सारे इधर सिर्फ आपने एक्सपर्ट रखे हुए हैं इस वर्कशॉप में जो है ना अलहदुल्ला जितने भी बंदे काम करने वाले हैं और वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं अच्छा। और बेहतरीन काम जो है ना वो यहाँ पे होता है अब आपने मुझे ना प्रोजेक्ट दिखाने हैं अपने जी आप आए आपको मैं जितनी भी गाड़ी मेरे पास तैयार हो रही है वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल आइए हमारे साथ अच्छा अभी मुबीन भाई हमें ना प्रोजेक्ट दिखाने लगे हैं सबसे पहले मुबीन भाई आप आ, कौन सी गाड़ी का प्रोजेक्ट दिखाने लगे सबसे पहले आपको दिखाएंगे डाई आठ सौ कोरे का प्रोजेक्ट ठीक है ये गाड़ी ये, बिल्क, ये, दिखाने ये दिखाने। बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे पीछे ही गाड़ी खड़ी है इसमें क्या क्या काम हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा वो सारा आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का इंजन हमने निकाला हुआ है और ये पूरी गाड़ी जो है ना हम तैयार कर रहे हैं इसकी टोटल गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग और इसका जितना भी मैकेनिकल काम है वो सारा हो रहा है और ये बाहर से आप इसको दिखाएं कि ये गाड़ी अभी जो है ना ये पेंट हुई है और इसको भी कंपाउंड पॉलिश होने के लिए इसको रफ किया हुआ है और ये नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ पुटीने भर के जो है ना वो काम कर देते हैं आप इसको ये करके ऐसे चेक भी कर सकते हैं ये लोहे की आवाज भी आपको आ रही होगी टन टन है कर पूरी आवाज आ रही है ठीक है ये ओरिजिनल काम की निशानी है अभी इसके अंदर और क्या, क्या क्या काम होना है इसमें मजीद ये होगा कि इसकी जो फिटिंग है वो सारी होगी इसमें जो इंजन निकाला रहा हुआ वो वापस फिट करेंगे इसको स्टार्ट करेंगे फिर इसको इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे फिर देखेंगे हमें जो मजीद काम नजर आएंगे फिर उसको हम क्लियर करेंगे कस्टमर को सबसे पहले आप खुद टेस्ट करते हैं देन फिर कस्टमर को पास चीज़ पहुँचाते हैं जी बिल्कुल जब कस्टमर मैं अपन ले आता है ना गाड़ी उस वक्त एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं जब हम सारा काम मुकम्मल कर लेते हैं इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और उसके बाद फिर हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करके सारी चीज़ें जब ओके हो जाती हैं फिर कस्टमर को बुला के उनको टेस्ट ड्राइव दिलवाते हैं और फिर उनको डिलीवर कर देते हैं अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई गाड़ी आई हो और आप उसको देख के कहें यार कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है ये मुश्किल काम है ज़रा अक्सर अकात इस तरह से हो जाता है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं ये नहीं होता कि हम उसको ना बना सकें बन जाती है हर चीज़ लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होता नहीं मतलब कि आप डर गए हो उसको देख के नहीं हम डरते नहीं हैं किसी गाड़ी से <laughs> और सिर्फ ये होता है कि कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जैसे किसी अक्सर अकात गाड़ियों में हादसा होता है किसी की मौत वाकई हो जाती है तो कोशिश करते हैं कि उस तरह की गाड़ियों को ना बनाएं क्योंकि उनके लिए भी जो है ना वो बैड लक होती है जिनकी गाड़ी होती है उनका कोई डेथ हो जाती है इस तरह बीच में तो वो फिर कहते हैं कि इस तरह की गाड़ी को ना हम नहीं बनवाना चाहते हैं या इस तरह के मामला हो जाते हैं तो उस केस में जो है ना इस तरह से होता है कि वो कस्टमर कहते हैं कि हमने नहीं बनवानी है जो भी मामलाते हैं जिस तरह भी वो फिर उसको टाई अप कर लेते हैं तो फिर अगर कस्टमर इसरहार करता है कि नहीं आप इस गाड़ी को तैयार करें तो फिर आप कोशिश करते हैं जी बिल्कुल फिर हम तैयार कर लेते हैं बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं आप चैनल हमारा विज़िट करें उसके ऊपर बेशुमार गाड़ियाँ ऐसी लगी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज थी और जिनको देख के लोगों ने कहा कि ये नहीं बन सकती तो अलहमदुल्ला हम उसको हमने बना के दिया माशाल्लाह माशाल्लाह अभी आगे भी चलते हैं आगे भी देखते हैं और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट हैं जी अभी मुबीन भाई हमें एक और गाड़ी का प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लेकर आए हैं जिसमें वो बताएंगे कि वो क्या क्या काम करवा रहे हैं इस गाड़ी का और क्या क्या काम होने वाला है क्या क्या काम हो गया है वो सारा उनसे पूछते हैं जी मुबीन भाई जी ये गाड़ी जो है ना ओंडा सिविक गाड़ी है और ये टोटल कार जो तैयार हो रही है इसकी टोटल गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग इसका सारा काम हो रहा है ये गाड़ी किस हालत में आई थी आपके पास इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और देखने वाले जो है ना उनको एक इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा ठीक वहां पर जाकर आप इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट देख सकते हैं अभी जो इसकी कंडीशन है ये प्राइमर लगा हुआ है पेंट से यानी कि पहले की कंडीशन है अभी इसके ऊपर पेंट होगा जी बिल्कुल अभी इसके ऊपर पेंट होगा इसका कॉपर कलर है अभी ये प्राइमर लगाया हुआ है पेंट से पहले यानी कि इसको ग्राउंड तैयार करने के लिए प्राइमर लगाया हुआ है इसके ऊपर इसकी अंदर की हालत क्या है अंदर की हालत इसकी काफी ज्यादा खराब है अंदर से भी जो है ना वो गली हुई है गाड़ी जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे कि जहाँ गली होती है लोग वहाँ पे उसको पटीन लगा के बंद कर देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसका प्रॉपर पीस लगा के उसका मुकम्मल काम करना चाहिए भी आपको अंदर से दिखाते हैं नहीं मतलब की क्या चीज गली होती है वो भी सारा आप बता देना क्या चीज आगे से जिस तरह लोहा गल जाता है हाँ। उसी तरह इसके अंदर गाड़ियों के अंदर भी जा गल जाता है जी गाड़ी ज़ाहिर लोहे की बनी होती है तो जब इसके अंदर पानी खड़ा रहता है या ये गाड़ी पानी के अंदर खड़ी रहती है यहाँ पर यहाँ अक्सर इस तरह से हो जाता है कि गाड़ी आपने कहीं कीचड़ में से गुजारी है तो आप उसको वॉश नहीं करते वैसे ही वो कीचड़ लगा रहता है तो वो नमी की वजह से वो लोहा गलने शुरू हो जाता है ऑक्सीडेशन होती है वो गल जाता है जंग पड़ जाता है उसको ऐसा ऐसा वो खत्म हो जाता है ठीक है अभी हमारे कैमरा मैन आगे आ, आ जाए और अंदर से दिखाते हैं इसकी हालत अंदर से जिस तरह वो बता रहे हैं अगर हमारे कैमरा मैन जूम करके दिखाएं अंग लगा हुआ नीचे से जहाँ सीट फिट होती है जगह सारी गली हुई है ठीक है और ये किस लिए गाड़ी आपके पास आई है ये इसी काम के लिए डेंटिंग पेंटिंग के लिए आई है इसको हम मुकम्मल तैयार करके देंगे इनशाला ठीक है ठीक है तो ये कब तक इनशाला तैयार हो जाएगी ये इनशाला बड़ी से पहले पहले जाना है तैयार हो जाएगी तकरीबन पंद्रह से बीस दिन का इसका टाइम है इस टाइम के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसको तैयार कर लेंगे आपके पास एक गाड़ी आती है जो कि पूरी एक्सीडेंटल केस है आप कस्टमर को कितना टाइम देते हैं कि कस्टमर का ट्रस्ट लेवल आप पे कितना है कि वो इतने टाइम के लिए आपके पास छोड़ देता है गाड़ी वो राजी हो जाता है कि इतने टाइम के लिए आपके पास गाड़ी खड़ी रहे देखें जो टाइम है ना वो तो डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन के ऊपर अगर गाड़ी का काम कम होगा तो ऑबियसली उसके ऊपर टाइम भी कम लगेगा और कस्टमर की मजबूरी होती है गाड़ी जो है ना हमारे पास छोड़ना जब तक गाड़ी तैयार नहीं होती उस वक्त तक वो गाड़ी जाना वो वहां पर खड़ी रहती है इनके साथ हो तो फिर तो किसी का दिल नहीं करता कि अपनी गाड़ी जाना वो कहीं पे छोड़े तो ये गाड़ी आप कह रहे हैं कि ईद से पहले तैयार हो जाएगी होंडा सिविक ये कौन सा मॉडल है ये होंडा सिविक है टू मॉडल की है ठीक है इसके अलावा आजकल जो शहरियों को मुश्किल आती है ट्रैफिक की मुश्किल होती है कि वो ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि ऑटो गाड़ी लें लेकिन इतने पैसे नहीं होते उसके लिए क्या आप सजेशन देखें जी है? उसके लिए भी सोलूशन है हमारे पास उन लोगों के लिए जिनके पास पुरानी गाड़ियां है मौजूद हैं जैसे सुजुकी एफ मौजूद है लोगों के पास या मेहरान है या और भी कोई पुरानी गाड़ियाँ ऐसी है जिनका बजट नहीं है ज्यादा पेट्रोल ज्यादा खाती है गाड़ियाँ तो उसमें इंजन चेंज कर देते हैं हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इंजन उसमें लगा देते हैं जैसे कि वो कैसे हो जाता है जी वो पॉसिबल है उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी पड़ती हैं हर बंदा नहीं करता जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है वो जो है ना ये काम करते हैं तो अभी तक आपने कितनी ऐसी गाड़ियों को ऑटो की है बहुत सी गाड़ियाँ की हैं ये आपको मैं अगर बताना शुरू करूँ तो नब्बे की दिहाई में ना न आ, उस वक्त मैं ओबियसली मैं तो नहीं था लेकिन जो हमारे बड़े हैं जो काम करते रहे वो बताते हैं कि उस उस दौर में बहुत ज्यादा ट्रेंड था गाड़ियों के इंजन चेंज करने का लोग पेट्रोल से गाड़ियों को डीजल में कन्वर्ट करते थे तो उस दौर से जाना ये कन्वर्जन शुरू हुई है अब और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहे हैं अब तो खैर पेट्रोल गाड़ियों का ज़माना आ गया ना और ऑटोमेटिक गाड़ियों का तो अब वो मैनुअल गाड़ी को ऑटोमेटिक गाड़ी में कन्वर्ट कर देते हैं तो आजकल गाड़ियों में एक ये भी मसला आया हुआ है कि गाड़ियाँ हीट बहुत ज्यादा देती हैं तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है देखें जी ये हीट जो है ना वो गाड़ी एक तो हमारे मौसम की वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है लाहौर में ठीक है उसका बेसिक बेसिक सोल्यूशन है ठीक है नंबर वन जो गाड़ी का फैन है वो हमेशा जो है ना आप उस वो फैन ठीक होना चाहिए और उसकी प्रॉपर स्पीड के ऊपर चलना चाहिए अगर वो लो स्पीड पर चलेगा तो आपकी गाड़ी हीट हो सकती है सेकंड थिंग आपका गाड़ी का जो रेडिएटर है उसके अंदर पानी पूरा होना चाहिए उसमें कहीं लीकेज ना हो पानी कम ना हो उसके अंदर यानी कि प्रॉपर पानी मुकम्मल हो और अगर बेहतर तो ये है कि आप उसके अंदर कूलेंट यूज़ करें लेकिन कुछ लोग नहीं यूज़ करते कूलेंट तो पानी की जो मकदार है ना वो उसके अंदर पूरी रखें अच्छा मैंने अक्सर ऐसी गाड़ियाँ देखी हैं जिनके इंजन में आग लग जाती है हैंडल से आग निकल आती है या धुआं छोड़ देती है उसका क्या है सोल्यूशन है उसकी पहली बात जो उसकी वजह क्या बनती है फिर उसका सोल्यूशन भी सबसे पहले तो उसकी रीज़न है रीजन देखनी चाहिए कि आग लगी क्यों है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि गाड़ी के अंदर आग लगने की वजह होती है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम गाड़ी के जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं ना वो मोस्टली ये था कि कहीं से उन्होंने काम करवाया उन्होंने लूज़ छोड़ दी है तो लूज़ छोड़ने की वजह से उसमें स्पार्किंग शुरू हो जाती है या कहीं पर इस तरह होता है आफ्टर मार्केट चीज़ें लगाते हैं लग या हॉर्न लगवाए या कोई लाइटें आफ्टर मार्केट लगवाई हैं तो उसकी वजह से उसमें कहीं पर लूजिंग आती है या कोई इस तरह की चीज़ है कि जो सपोर्ट नहीं कर सकती गाड़ी को उसका लोड ज़्यादा है यानी कि उसकी बैटरी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड पड़ रहा है तो उसमें तारें जल जाती हैं तो स्पार्किंग वगैरह की इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं तो इस इन इस तरह के मामलों में जो है ना वो आग लग जाती है ठीक है मुबीन भाई माशाल्लाह आपका तजर्बा सुन के लग रहा है कि आपको इस फील्ड में 20-25 साल हो गए <laughs> मुझे 20-25 साल तो नहीं हुए आ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तो कोई चार पाँच साल तो हो गए हैं कि मेरा हैंड्स ऑफ तो वर्किंग एक्सपीरियंस है इतना अच्छा अच्छा अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट खड़े हैं जो कि अगर आपको दिखाना शुरू करें तो ये इंटरव्यू पता नहीं कितने घंटों का इंटरव्यू चला जाए तो वही मुबीन भाई से बात करते हैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें टाइम दिया है क्योंकि मैं अभी काफ़ी देख रहा था आज फ्राइडे है तो काफ़ी जगह देख रहा था कि शोरूम बंद थे तो फ़्राइडे को अक्सर छुट्टी होती है यहाँ पर फ्राइडे को जो है ना जेल रोड के ऊपर तो छुट्टी नहीं होती फ्राइडे को जो मार्केट है समनाबाद की मार्केट है वहाँ पर छुट्टी होती है वहाँ पे शोरूम बंद होते हैं क्योंकि वो संडे बाजार वहाँ पे लगता है तो संडे को मार्केट ओपन होती है फ्राइडे को इसलिए वो फिर छुट्टी कर लेते हैं ठीक है तो आ, मुबीन भाई आपने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल का आइडिया कहाँ से आया कि आपने अपने फादर को देख की कि यार वो एक शोरूम चला रहे हैं अपना वर्कशॉप चला रहे हैं तो उसी को देख के आइडिया आया कि यार मुझे भी गाड़ियों के टॉपिक पे ही यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए देखिए जो यूट्यूब का आइडिया है ना वो मुझे यहाँ से आया था कि मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ में देख रहा था कि बच्चे हैं और वो वीडियोज़ बना रहे हैं और गाड़ी के बारे में बना रहे हैं और उनको पता कुछ भी नहीं है उस गाड़ी के बारे में बस उसका ये बता रहे हैं ये ऐसे है ऐसे ऐसे है तो मैं वीडियो देख रहा था मैं क्या यार ये तो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को बता रहा है जो देखने वाले उनको तो लग रहा है कि यार यही है लेकिन ये असल में ऐसे नहीं है तो क्यों ना मैं ऐसा चैनल बनाऊँ जिसके ऊपर जो सही इनफॉर्मेशन है जो गाड़ियों के मुतल यानी कि जो गाड़ी के गाड़ी के बारे में जो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉमेशन है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए तो मैं वो क्यों ना उनको प्रोवाइड करूँ तो इसलिए फिर मैंने आ, सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ और जहाँ पर इस तरह के व्लाग्स बना के सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया रिव्यूज़ के गाड़ियों के रिव्यूज़ करते थे उनके मॉडल्स बताना वेरिएंट्स इसमें ये ये आते हैं ये इस इस साल से लेके इस साल तक आई है इसमें ये कलर्स आते थे तो वहाँ से स्टार्ट किया फिर आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोशन uh, में भी लोगों ने जो है ना वो पसंद करनी शुरू कर दी वीडियोस तो फिर हम रिस्टोरेशन की तरफ आ गए क्योंकि कारोबार ही हमारा इससे रिलेटेड है तो फिर इससे रिलेटेड जो है ना वो वीडियोस बनानी हमने शुरू कर दी अच्छा कुछ लोग आपके पास ऐसे आते हैं जो कि आगे कहते हैं कि हम आपकी वीडियो देख के आएँ या हम आपके पुराने सब्सक्राइबर हैं अक्सर यूट्यूबर्स के पास जाते हैं ना कि हम आपके पुराने सब्सक्राइबर हैं हमें डिस्काउंट दें तो आप उनको डिस्काउंट देते हैं जी बहुत से लोग आते हैं मेरे पास जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं गाड़ियाँ अपनी Uh, सही करवाने के लिए आते हैं यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो देखी होती है तो वो मेरे पास आते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं हम उनकी और पूरी ऑनर करते हैं जो हमारा वॉकिंग कस्टमर है उससे ज़्यादा डिस्काउंट हम जो हमारा सब्सक्राइबर या यूट्यूब वाला कस्टमर जो आता है उसको हम वहाँ पर उसमें ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं उसको चलें बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमने, अपना कीमती टाइम हमें दिया कोई भी आज के दौर में अपना कीमती टाइम नहीं निकालता स्पेशली आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई हैं आप और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मुबीन भाई हमारे चैनल के बारे में कुछ बताइएगा जी ये सच का वो टी है इनको सब्सक्राइब करें इनके चैनल को लाइक करें फेसबुक पर यूट्यूब पर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेन बात यही होती है कि जो सच फैलाना है ना सच सच्ची बात कहना ये सबसे बड़ा काम होता है और बड़ा मुश्किल होता है तो ये सच्चा काम कर रहे हैं इनको लाइक करें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें तो नाम भी सच को टीवी है और इधर जो बातें हुई हैं वो भी हंड्रेड परसेंट सच है जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज। ये yeah!